जी दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के शोट में हम लोग बात करने वाले कि आप लोग एक व्हाट्सएप यूजर है, व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे तो आप सबके लिए काफी बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर फाइनली बैक अपडेट आ गया। इसमें आप लोग अपना व्हाट्सएप चैट को लॉक कर सकते हैं, चाहे आपका मोबाइल किसी भी जगह पे हो या आप लोग हॉस्टल में रहते हो और वहाँ पर आपके पास दोस्त है, उससे आप लोग डरते हैं कि हमारे चैट कोई बंदा नहीं देख पाएगा। तो इसके लिए अभी आप लोग व्हाट्सएप में चैट को लॉक कर सकते हैं, कोई भी बंदा आपका चैट नहीं देख पाएगा। आप लोग अपना व्हाट्सएप चैट को सिक्योर कर सकते हैं। आप लोगों के व्हाट्सएप में कोई पर्सनल डेटा है और आप लोग चाहे कि कोई बंदा मेरे चैट नहीं देखेगा तो भी आप लोग लॉक कर सकते हैं, और किसी भी जगह पे जाने के लिए कोई भी जरूरत नहीं, बल्कि आप लोग अपना मोबाइल में अपना व्हाट्सएप में ही काम कर सकते हैं। अभी आप लोग अपना पर्सनल डेटा कैसे सिक्योर कर सकते हैं, आप लोग अपने चैट को कैसे लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाजमी वॉच कर देना, वीडियो किसी भी जगह पे स्किप नहीं करना। तो चलिए वीडियो कर लेते स्टार्ट, लेकिन उससे पहले वीडियो फॉर्मेट पे आते हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतुल्ला है और आप देख रहे हैं टेक्निकल मोलिस। अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जल्दी से आकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। होप आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो चलो मजीद आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करो, अपना मेन टॉपिक की तरफ आते हो। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपका कोई भी पर्सनल डेटा है व्हाट्सएप के ऊपर, आप लोग अपने चैट को लॉक करना चाहते हैं, आप लोग किसी भी जगह पे रहे तो चाहे आप लोग हॉस्टल में है और वहाँ पर आपके पास दोस्त है, आप लोग चाहे कि हमारा दोस्त हमारे चैट नहीं देखेगा तो इसके लिए आप लोग ये काम कर देना, तो आप लोग अपने चैट को लॉक कर देना। या आपका मोबाइल आपका दोस्त यूज करेगा, इसके लिए आप लोग मोबाइल देते तो आप लोग इससे डरते कि हमारे चैट नहीं देखेगा, तो इसके लिए बस सिंपल आप लोग यही काम कर देना। तो चलिए इसके लिए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली सिखाता हूँ। यहाँ से मैंने अपना मोबाइल उठा दिया, सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर पे आ जाना। तो चलिए यहाँ से मैं ओपन करता हूँ और उसके बाद आप लोग सर्च बार के ऊपर टैप कर देना और यहाँ पर आप लोग एंटर कर देना व्हाट्सएप, और सिंपली आप लोग यहाँ से ही सर्च कर देना। जैसे आप लोग ये सर्च कर तो आपके पास व्हाट्सएप आ जाएगा, यहाँ से सेलेक्ट कर देना और आप लोग अपना व्हाट्सएप को अपडेट कर देना। मैंने अपना व्हाट्सएप पहले से अपडेट कर दिया तो इसकी वजह से ओपन वाला ऑप्शन मिलेगा, अगर आप लोग ने अपडेट नहीं कर दिया तो यहाँ से आप लोग अपडेट कर देना। उसके बाद मोबाइल को होम स्क्रीन पे आ जाना और यहाँ से आप लोग अपना व्हाट्सएप को ओपन कर देना। तो चलिए यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप लोग किसी भी दोस्त का चैट लॉक करना चाहते हो तो सिंपली आप लोग इसका चैट सेलेक्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं किसी भी दोस्त का चैट ओपन करता, यहाँ से ये चैट मैंने ओपन कर दिया तो उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ गया। फर्ज कर मैं इस बंदा का चैट लॉक करना चाहता हूँ कि मेरे इस दोस्त का चैट कोई भी बंदा नहीं देखेगा, चाहे मेरे मोबाइल किसी के पास है, तो इस तरह आप लोग भी वही चैट ओपन कर देना जो आप लोग लॉक करना चाहते हैं। चैट को ओपन करने के बाद साइड पर थ्री डॉट है तो इसके ऊपर आप लोग टैप कर देना। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करें तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, टैप नंबर पर जो ऑप्शन शो हो जाएगा व्यू कॉन्टैक्ट, इसके ऊपर आप लोग टैप कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ गया, तो यहाँ से पेज आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देना और नीचे यहाँ पर चैट लॉक वाला ऑप्शन मिलेगा, उसके सामने जो बटन है वो बिल्कुल आप है, यहाँ से आप लोग ये ऑन कर देना। तो यहाँ से ये ऑप्शन आप लोग ऑन कर देना। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ गया, यहाँ पर लिखा है कीप दिस चैट लॉग इन हेड नाउ, और नीचे कंटिन्यू वाला बटन है, तो सिंपली आप लोग इसके ऊपर टैप कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आगे आप लोग अपना फेस से चैट लॉक कर देना, या आप लोग फिंगर लगा देना, या आप लोग पैटर्न लगा देना, जिस तरह आप लोग अपने फिंगर को लॉक करना चाहते हैं बस सिंपली आप लोग वही काम कर देना। अभी साइड पर आप लोगों को ब्लैक स्क्रीन शो हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया और इस सिक्योरिटी की वजह से ऐसा शो हो जाएगा, तो इसकी वजह से आपके पास फिंगर वाला जो इंटरफेस था वो शो नहीं हो, बस सिंपली आप लोग अपना पैटर्न लगा देना जिस तरह आप लोग लॉक करना चाहते हैं। खैर अभी ऐसे मैंने बैक कर दिया तो आप देख सकते हैं चैट लॉक वाला जो ऑप्शन था इनेबल हो चुका है। उसके बाद अभी ऐसे मैं बैक कर लेता, फिर से मैंने बैक कर दिया। बैक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक चैट वाला ऑप्शन मिलेगा, अगर आप लोग किसी दूसरे दोस्त का चैट लॉक करना चाहते हो तो सिंपली आप लोग इसका चैट ओपन कर देना। यहाँ से मैंने और दोस्त का चैट ओपन कर दिया, उसके बाद साइड पर थ्री डॉट है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से व्यू कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक कर देना। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो ऐसा इंटरफेस आ गया, पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर देना, नीचे यहाँ पर चैट लॉक वाला ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आप लोग ये ऑन कर देना। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो शायद आपको जो स्क्रीन था वो ब्लैक शो हो जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ये चीज रिकॉर्ड नहीं हो जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर फिंगर वाला इंटरफेस शो नहीं हो जाएगा। आप लोग अपने फेस से चीज को लॉक करना चाहते हैं, बस आप लोग की मर्जी, आप लोग अपना अंगूठे की मदद से फिंगर प्रिंट लगाना चाहते हैं या आप लोग पैटर्न से लगाना चाहते हैं, जिस तरह आप लोग लगाना चाहते हैं। जैसे आप लोग अपना फिंगर लगाए तो उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर नीचे चैट वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अभी ऐसे मैं बैक कर लेता, फिर से मैंने बैक कर दिया, उसके बाद टॉप पे आप देख सकते हैं लॉक चैट लिखा है, तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो आगे हमसे कन्फर्मेशन मांग रहा कि आप लोग अपने फिंगर को लगा दें, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ। हाँ जी, यहाँ पर मैंने फिंगर से कन्फर्म कर दिया, तो उसके बाद ऐसा इंटरफेस आ गया, टॉप पे लिखा लॉक चैट सा और उसके नीचे यहाँ पर दो चैट मिल गया, मतलब मैंने यहाँ से दोनों चैट को लॉक कर दिया। अभी मेरे मोबाइल किसी दोस्त के पास है और मेरे चैट को देखना चाहते, जैसे वो ओपन करे तो उससे फिंगर मांग रहे हैं, लेकिन उसने फिंगर तो नहीं लगा, क्योंकि फिंगर मैंने खुद लगा दे, मैंने पैटर्न लगा दिया, कोड का पता मुझे, मेरे अंगूठे से फिंगर लग जाएगा तो मेरे चैट को कैसे देखेगा, तो इसके लिए बस यही तरीका है। आप लोग अपने चैट को इस तरह से सिक्योर कर सकते हैं, कोई भी बंदा आपका चैट नहीं देखेगा, तो इस तरह आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर अपने दोस्त का अपना चैट को लॉक कर सकते हैं, चाहे किसी भी बंदा का है, बस सिंपल से तरह। अभी आप लोग यही सोचते कि यार हमने चैट तो लॉक कर दिया, दोबारा हम अनलॉक करना चाहते तो इसके लिए हम क्या करेगा, तो इसके लिए आगे मैं आप लोगों को सेकंड स्टेप भी सिखाता हूँ। फर्ज करिए ऐसे ही चैट मैंने ओपन कर दिया, इस बंदे का चैट में अनलॉक करना चाहते तो साइड पर थ्री डॉट इसके ऊपर आप लोग टैप कर देना,
व्यू कॉन्टेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना, पेज थोड़ा सा नीचे कर देना और यहाँ से चैट लॉग वाला ऑप्शन ऑफ कर देना। तो चलिए इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया तो आगे से पिंगर मांग रहा है, यहाँ से मैंने पिंगर लगा दिया। पिंगर लगाने के बाद यहाँ से चैट लॉग वाला ऑप्शन हमने ऑफ कर दिया। उसके बाद अब यहाँ से मैं बैक कर लेता, फिर से मैंने बैक कर दिया। आप देख सकते कि लॉक चैट लिस्ट में एक बंदा शो हो जाएगा, एक हमने अनलॉक कर दिया। इस तरह आप लोग दूसरे का चैट भी अनलॉक कर सकते। इसके चैट ओपन कर देना, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक कर देना और यहाँ से व्यू कॉन्टेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना, पेज थोड़ा सा नीचे कर देना, यहाँ से चैट लॉग वाला ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना और अपना पिंगर इस तरह लगा देना। तो यहाँ से चैट लॉग वाला ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से बैक कर देना, फिर से बैक कर देना। आप देख सकते यहाँ पर नो लॉग चैट लिखा, मतलब यहाँ पर दो बंदे का चैट मैंने दोबारा अनलॉक कर दिया, तो इसकी वजह से एस एंटर पेज शो हो जाएगा। बस सिंपल इस तरह आप लोग अपने चैट को दोबारा अनलॉक कर सकते। सिंपल से तरह आप लोग एक बार जरूर ट्राई कर देना। और व्हाट्सएप के ऊपर यही न्यू अपडेट मुझे कभी पसंद आ गया, आप लोगों को कैसे लगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो बस इस तरह आप लोग अपने मोबाइल में अपना व्हाट्सएप में पर्सनल चैट को लॉक कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कर देना। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल गया तो आप लोग अपना व्हाट्सएप को अपडेट कर देना। जैसे वीडियो को स्टार्ट में मैंने को बता दिया कि आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर वहाँ से अपना व्हाट्सएप को अपडेट कर देना। आई होप आप लोगों को मेरी बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे समझ में आ गया तो आप लोग जल्दी से आकर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहले बार अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जल्दी से आकर मेरे चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना ही तो बिल्कुल फ्री है। तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर, जल्दी से आकर चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो बस मिलते हैं इंशाल्लाह कोई नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। ओके अल्लाह हाफिज़।